नमस्कार, विभ दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। भाजपा सांसदों को देना होगा बैंक खातों का ब्यौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के मद्देनजर भाजपा सांसदों और विधायकों को 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक होने वाले सभी बैंकिंग लेनदेन की जानकारी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को देने के लिए कहा है। मोदी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में यह निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि नोटबंदी किए जाने की जानकारी भाजपा नेताओं को पहले ही दे दी गई थी ताकि वे अपना धन इधर उधर कर सके। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने बताया कि मोदी ने विपक्ष के इस आरोप को पूरी तरह खारिज किया कि लोकसभा में पेश आयकर संशोधन विधेयक कालेधन को सफेद बनाने की स्कीम है। उनका कहना था कि यह गरीबों के कल्याण की योजना है। उन्होंने कहा कि मोदी ने सभी से देश को डिजिटल और कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाने में सहयोग देने की अपील की है। दूसरी ओर फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दावा किया कि नोटबंदी का प्रभाव किसानों के उर्वरकों की खरीद पर बहुत कम हुआ है और खरीद बिक्री सामान्य दिनों की तरह चल रही है। साथ ही उर्वरक क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी संस्था इफको ने नकदी के बिना उर्वरकों की खरीद की प्रक्रिया समझाने के लिए किसानों को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। नोटबंदी से आम जनता को हो रही परेशानियों की ओर ध्यान दिलाने के लिए तेलुगु देशम पार्टी के सांसद एन शिवा प्रसाद ने मंगलवार को संसद भवन परिसर में अजीब तरीका अपनाते हुए आधी काली और आधी सफेद पैंट कमीज पहनकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया। गीत संगीत पर भी नोटबंदी का असर साफ दिखाई दे रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई जिलों में भोजपुरी में नोटबंदी पर आधारित गीत शादी विवाह में खूब बजने को मिल रहे हैं। शादी से लेकर सोशल मीडिया, हर जगह इन गानों की धूम मची हुई है। भोजपुरी फिल्मों के स्टाइलिश अभिनेता विक्रांत सिंह राजपूत ने कहा कि नोटबंदी पर आधारित भोजपुरी गीत गाकर कलाकार देश के हित में नहीं अपना हित साधने में लगे हुए हैं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आतंकवादी हमला, 2 जवान शहीद, 7 आतंकवादी मार गिराए। सांबा जिले के रायगढ़ सेक्टर में रहस्यमयी विस्फोट में बीएसएफ के डीआईजी बीएस कसाना समेत 5 जख्मी। अघोषित आय पर 50% कर के प्रावधान वाला कराधान विधि दूसरा संशोधन विधेयक 2016 लोकसभा में बिना चर्चा के पारित। बाबा रामदेव बोले, नोटबंदी कड़वी दवा मगर अर्थव्यवस्था के लिए शुभ। कोलंबिया में विमान दुर्घटना में 76 लोगों की मौत। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.vibdunia.com। नमस्कार।